कक्षा 12वीं वाले सभी दोस्त ध्यान देना, यहाँ पर आपका जो कक्षा 12वीं का जो संस्कृत का पेपर रहेगा, त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 जो पेपर है, छाप दो फटाफट। दोस्तों संस्कृत का पेपर रहेगा त्रैमासिक परीक्षा में, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा। चलिए देखिए ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं और इस बार भी आ सकते हैं, तो इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। यदि इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपका जो पेपर होने वाला है बहुत ही अच्छा जाएगा। अभवत इत्यस्मिन पदे लकार अस्ति, अभवत में कौन सा लकार है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा लंग लकार, मतलब भूतकाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हसामी इत्यस्मिन पदे पुरुष अस्ति, हसामी में कौन सा पुरुष है, तो यहाँ पर जो पुरुष हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तम पुरुष। अपने हाथ में कॉपी और पेन ले ले और इनको नोट करना है सभी को, कोई भी स्टूडेंट्स इनको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि यही प्रश्न आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बिना देर किए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लपस्ये इत्यस्मिन पदे वचनम अस्ति, तो यहाँ पर जो आपका मित्रों वचन है वो होगा एक वचन, एक वचन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है, पाश्यति इत्यत्र धातु अस्ति, पाश्यति इत्यत्र धातु बताना है, तो इसमें आपकी जो धातु होगी वो होगी पीब, पीब आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द्रक्ष्यति इत्यस्मिन पदे धातु अस्ति, तो यहाँ पर जो धातु है आपकी वो होगी द्रस। ये क्वेश्चन कहीं बार आप देख सकते हैं पूछे गए हैं दोस्तों, इस बार भी आने की पूर्ण संभावना है आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गमिष्यति इत्यस्मिन पदे लकार अस्ति, गम्यस्यति में कौन सा लकार है, तो इसमें जो आपका लकार होगा वो होगा लिरिट लकार, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहवेयु इत्यस्मिन पदे वचनम अस्ति, बहवेयु में जो वचन है आपका हो जाएगा बहुवचनम। पच्यसी पक्ष्यसी इत्यस्मिन पदे पुरुष अस्ति, तो यहाँ पर जो पुरुष होगा वो होगा मध्यम पुरुष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेष्यामा इत्यस्मिन पदे धातु अस्ति, तो यहाँ पर जो आपकी धातु होगी वो होगी नी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पचामा इत्यस्मिन पदे पुरुष अस्ति, तो यहाँ पर आपका जो पुरुष है उत्तम पुरुष है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्रक्षन्ति इत्यस्मिन पदे लकार अस्ति, इसमें आपको लकार बताना है, तो इसमें आपका जो लकार होगा दोस्तों वो होगा लट लकार, ठीक है, लट लकार आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगच्छतम इत्यस्मिन पदे वचनम अस्ति, तो यहाँ पर आपका लकार जो होगा वचनम जो होगा वो होगा दीव वचनम, दीव वचनम आपका करेक्ट आंसर होगा। दधति इत्यस्मिन पदे वचनम अस्ति, तो दधति में जो वचन होगा आपका वो होगा बहु वचनम। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को वापस देखिएगा, दधति दधति में आपका एक वचन है और आपका ददाति जो होता है उसमें बहुवचन होता है, ठीक है, तो ददति में एक वचन आएगा ना कि बहुवचन, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, ददाति ददाति का मतलब होता है बहुत सारे देने वाले, ठीक है, और ददति का मतलब होता है एक वचन, ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, पाश्यति इत्यस्मिन पदे लकार अस्ति, तो इसका राइट आंसर आपका लिरिट लकार हो जाएगा, और अभवत इत्यस्मिन पदे पुरुष अस्ति, तो इसमें आपका राइट आंसर प्रथम पुरुष होगा,
और घनंती इत्यस्मिन पदे वचनमस्ति, तो घनंती में आपका बहुवचन है। और यहाँ पर तस्याम और पितृ में विभक्ति बताना है, तो पित्रा में आपकी तृतीय विभक्ति है और पश्याम में आपकी सप्तमी विभक्ति है। पक्षसि इत्यस्मिन पदे धातु अस्ति, तो यहाँ पर जो धातु है पक्ष धातु है। और याच्चतु इत्यस्मिन पदे वचनमस्ति, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा एक वचन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है, याचेतम इत्यत्र धातु अस्ति, इस शब्द में आपको धातु बताना है, तो धातु होगी आपकी याच। और क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है अयाचत इत्यस्मिन पदे धातु अस्ति, तो इसमें भी धातु पूछिए, इसमें धातु आपकी याच होगी। तो दोस्तों ये तमाम प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए थे, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और इसी प्रकार अपडेट पाना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।